क्या बात है, आज तुम्हारी फोन कॉल नहीं आई? रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, अब रोज रोज थोड़ी ना आएगी। अच्छा जी, रॉन्ग नंबर पे एक एक घंटा बात की जा रही है। हाँ, बहुत कारुणी इंसान था। पहले तो फोन कॉल की सर्विसेज पे तबसरा करने लगा और फिर सर्दियों पर। फिर उसे तुम्हारी आवाज ही डाली थी। यानी कि आप अपना सांस बंद करके हमारी बातें सुन रही थी? और नहीं तो क्या। और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आपसे तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अगर मैं पूछ भी लूंगी तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन कोई खास बात हुई नहीं, बस उसने मुझसे इजाजत मांगी कि क्या वो मुझे फोन कर सकता है। और तुमने उसे कहा कि हाँ कभी कभी, रोज रोज नहीं? जब तुम सब कुछ सुन चुकी हो तो मुझसे क्या पूछ रही हो? भाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ ना, हो सकता है कि मैंने कोई बात मिस कर दी हो। नहीं नहीं, तुम बहुत चलाक हो, तुमसे कुछ मिस नहीं होता। और अगर कुछ मिस हो भी जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, तुम फिर कंक्लूजन पर पहुंच जाती हो। तुम्हारी बहन शर्लक होम्स जो है। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी नींद नहीं आई? अभी तो नहीं आ रही, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं देख चलती हूँ। चलो शाबाश, बैठो। लो जी, अभी हजरत का नाम लिया और अभी की कॉल आ गई। हेलो हेलो, मैं साथ बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कल मैं अपना नाम बताना भूल गया था आपको। तो आपने अपना नाम बताने के लिए फोन किया है? नाम बताने के लिए और आपका नाम जानने के लिए। अरे मैं क्यों आपको अपना नाम बताऊं? अब मुझे क्या मालूम कि आपने मुझे अपना नाम ठीक से बताया भी है कि नहीं। वो आप कंफर्म करवा सकती हैं, मेरा नंबर तो है आपके पास। कहती हैं तो नादरा के ऑफिस से मैं आपको सबूत ला कर दे देता हूँ। मैं तो यूं ही कह रही थी। तो अपना नाम बता दें। आप पूछो, कुछ भी बता दो, आपने नहीं बताना। मेरा नाम सायरा है। ओह वाओ, मेरा नाम साद, आपका सायरा, डबल एस? जी नहीं, आप अपनी जगह पे साथ और मैं अपनी जगह पे सायरा। चलें, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपने तो कहा था कि आप कभी कभी फोन करेंगे, आपने तो दूसरे दिन ही फोन कर लिया। एक तो ये 24 घंटे इतनी मुश्किलों से कटे हैं और आप। लेकिन मुझे तो अभी बहुत नींद आ रही है, मैं आपसे कभी फिर बात करूंगी। फिर कभी नहीं, अगले 24 घंटे। खुदा हाफिज। बाय। अरे लड़की, ये तुमने क्या कर दिया? हीरा नाम क्यों बता दिया? उसने कौन सा तुम्हारा शनाख्ती कार्ड निकलवा लेना था। सुन रही हो मेरी बात? बेवकूफ लड़की है भाई। सर इंटरेस्टिंग, कार
उठ भी जाओ, आंखें खोल लो भाई, नाश्ता तैयार है। जाग रहा हूँ आपी। लगता है फिर रात भर उसी रॉन्ग नंबर पर लगे रहे हो। कसम ले लें जो दो मिनट से ऊपर बात की हो। क्यों, लिफ्ट नहीं कराई उसने? लिफ्ट तो कराई है, बस रात बहुत हो गई थी। वैसे नाम क्या है उसका? सायरा। मैचिंग चल रही है, यहाँ साथ वहां सायरा। चलो आ जाओ नाश्ते की टेबल पर, जल्दी जल्दी। दुआ करें मेरी उससे शादी हो जाए। तुम पागल तो नहीं हो गए? दो दिन फोन पर बात करके शादी के ख्वाब देखने लगे हो। आपी वो बहुत अच्छी है, इतने धीमे अंदाज में बात करती है कि दिल चाहता है उसे बस सुनता ही रहूं। और शादी के बाद यही आवाज आपके कानों में चुभने लगेगी। प्लीज आपी, आई एम सीरियस। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, फोन का इश्क है दो चार दिन में उतर जाएगा। और अगर तुम वाकई संजीदा हो शादी के लिए तो मैं आपसे इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, क्या हो गया आपको? बगैर देखे। खैर बगैर देखे तो नहीं, पर देख के तो शादी कर लूंगा, चाहे जैसी भी हो। अभी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत है, वो खुद भी बहुत खूबसूरत होगी। तुम अपने ख्वाबों की दुनिया में जिंदा रहो, मैं तो जा रही हूँ। और ये नाश्ता कर लेना, ठंडा हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने रात को इतने एसएमएस किए पर आपका एक भी रिस्पांस नहीं आया। वो इसलिए कि आपके उन मैसेजेस में से कोई एक मैसेज भी जवाब तलब था ही नहीं। आपने तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया, अपनी पसंद नापसंद, अपने ख्वाबों और अपनी मंजिलों के बारे में। अब उन बातों का मैं आपको क्या जवाब देती? ओहो, मेरा मतलब है कि आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। अच्छा तो फिर पूछिए कि आप मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं। यानी ये कि आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आप कहाँ पढ़ती हैं, क्या करती हैं, वही सब कुछ। हम तीन फैमिली मेंबर्स हैं, मैं, मेरी बहन और मेरी अम्मी। ओह ग्रेट, छोटा खानदान, जिंदगी आसान। हम भी तीन हैं। फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद हम तीन ही रह गए थे। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ओह सॉरी। इट्स ओके। अच्छा एक मिनट, मैं गेस करता हूँ कि आप कैसी होंगी। ठीक है। मैं बताता हूँ, आप टॉल हैं, स्लिम हैं, आपका कंप्लेक्शन फेयर है और अट्रैक्टिव भी है। लगता है ख्वाब कुछ ज्यादा देखते हैं। ख्वाबी तो जिंदगी है। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि क्या हम दोनों मिल सकते हैं? अब एक सेकंड होल्ड करना, मेरी मम्मी की कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। ओके ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मम्मी। जी जी अम्मी, मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे ही था। हाँ जी हाँ जी, ओके। अंदाजे तो बहुत अच्छे लगते हैं मिस्टर साहब।
मामा की कॉल आई थी, वो एक हफ्ते में आ रही है। काफी लंबी बात हुई मेरी। तुम्हें आई थी कॉल? हाँ। क्या बात है, किधर खोई हुई हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? मुझे तो ऐसे लगता है इस सात लड़की ने तुम्हें हम सबसे ही बेगाना कर दिया है। नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मुझे तो लगता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम मुझसे छुपा रही हो ना? वो मुझसे मिलना चाहता है। मुझे पता था इस फोन कॉल का अंजाम यही होना था, लेकिन मैं उसे किसी धोखे में नहीं रखना चाहती। तो मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाह रही हूँ कि अपने इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। लोग इतने खराब दिल नहीं है कि। लेकिन अगर साथ में मुझे मेरी माजूरी के साथ एक्सेप्ट कर लिया तो इससे अच्छी और क्या बात है? इतना तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी ना। सॉरी साथ, मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि मैं पैरालाइज्ड हूँ। आपने मेरे लिए जो तसव्वुर बनाया है, मैं उसके बरक्स हूँ। अब अगर आप माजूर मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल करके सहारा देना चाहते हैं तो मुझे रिप्लाई कर दें, वरना आपकी खामोशी को मैं इनकार समझकर खुद ही एक तरफ हो जाऊंगी। सॉरी साहब, मैं कभी आपको बता नहीं सकती कि मैं पैरालाइज हूं। आपने मेरे लिए जो तसव्वुर किया है उसमें मैं बरक्स हूं। अगर आप माजूर से मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं तो मुझे रिप्लाई कर दें, वरना मैं आपकी खामोशी को इनकार समझकर खुद ही एक तरफ हो जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई माजूर हूँ? मैं तो मजाक कर रही हूँ। What? I don't believe this. अच्छा तो हमसे होशियारी, देखना अब मैं क्या गेम खेलता हूँ। एक दिन फोन बंद रखूंगा ताकि सायरा को मेरी बेवफाई का पूरा पूरा यकीन हो जाए।
देखा तुमने साथ कितना चीटर किस्म का बंदा निकला, फोन तक ऑफ करके बैठा हुआ है। आजकल के लड़के भी ना सिर्फ टाइम पास करना जानते हैं, मोहब्बत का तो अब कोई नामो निशान ही नहीं रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि कैसे लोगों की असलियत पता चल जाती है एक आध हफ्ते। तुम्हारी कौन सा उसके साथ कोई इतनी गहरी दोस्ती होगी थी जो तुम हर्ट होते। अच्छा नहीं हुआ कि वक्त से पहले ही सब कुछ पता चल गया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि टेलर से कपड़े कब लाओगी। मैं चाहती हूँ कि मामा के आने से पहले मेरे सारे नए कपड़े आ जाए। हाँ हाँ हम अभी चलते हैं, मैं रस्तों में आती हूँ। तुम साथ चलोगी या मैं खुद ही ले आऊं? नहीं तुम जाओ, मैं यही ठीक। और तो कोई चीज लेके आनी ना? नहीं कुछ नहीं लाना, लेकिन अगर तुम कपड़ों वगैरह वापस आई तो तुम्हारी खैर नहीं है। हेलो हेलो सर, एक दिन मेरे बगैर है कि कैसे लगा? मुझे पूरा यकीन था कि मुझे आपके मैसेज का जवाब नहीं आएगा, पर वैसा ही हुआ। मैं समझा नहीं। मैं कल रात की बात कर रही, अगर आप मैसेज के बारे में इतना जल्दी भूल सकते हैं तो इंसान भूलने में पता नहीं कितना वक्त लगाएंगे। सॉरी मैं आपकी बात समझ में नहीं पाया, आई थिंक आप भी बाहर हैं। हाँ मैं मार्केट में हूँ। क्या हम दोनों मिल सकते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। चले मिले नहीं लेकिन दूर दूर से तो देख सकते हैं ना। साथ मुश्किल हो जाएगा, मैं पहले ही आपके लिए। अच्छा देखें प्लीज मुझे सिर्फ एक झलक दिखा दें अपनी। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। ओहो टेलर ही बन था, और ये क्या जनाब आप कैसे एकदम तैयार हो गई हैं? कैसी लग रही हो? साथ की कॉल आई थी। साथ की क्या कह रहे थे? क्या वो मान गया? पता नहीं उसने उस बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही पूछा। तो फिर वो एक्चुअली वो बता रहा था कि वो भी यहीं है और मुझे एक नजर देखना चाहता है। तुम क्या चाहती हो? ठीक है एक काम करते हैं कि अभी तुम उसको सिर्फ दूर से देख लो, मुलाकात नहीं करोगी। हाँ मैं खुद भी यही सोच रही थी। ठीक एक काम करो कि उसको मैसेज करो, उसको बोलो सामने वाले सिग्नल पर आके खड़ा हो, हमने वहीं से यू टर्न लेना। अच्छा ये था साथ। हाँ प्यारा है ना, पर ये इस तरह क्यों खड़ा था जैसे? मैंने उसे कहा था कि गाड़ी को ज्यादा लपकने की जरूरत नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, शायद इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा। बात कर रहे थे? हाँ एक सेकंड। क्या कह रहा है? यार कह रहा है कि गाड़ी इतनी तेज थी कि मेरी शक्ल देख ही नहीं पाया। तो अच्छा हुआ ना कि वो हमें ना देख सका, पर हमने तो उसे देख लिया ना।
ये क्या बात हुई? तुम वहाँ पर खड़े भी थे और वो तुम्हें नजर भी नहीं आई। ओहो आप ही, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने मैंने हैंड टाइम पर एक ड्रामा कर दिया। कैसा ड्रामा? मैं वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे एक अंधा खड़ा होता है। लगता है ये फोन करने की सिर्फ मेरी ड्यूटी है। आप भी तो कॉल कर सकती हैं। एटलीस्ट आज तो आप पे ही ड्यूटी थी। क्यों? ताकि आप मुझे बता सकें कि मैं आपको कैसी लगी। मैं आपको क्या बताऊं? मैं तो देख ही नहीं सकता। क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपसे आखिरी बार मिलना चाहता हूं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपसे बहुत कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, मगर एक जरूरी बात रह गई है। ऐसी कौन सी बात है? देखिए मैं वो बात आपके सामने बैठकर करना चाहता हूँ। लेकिन साथ में आपसे बार बार नहीं मिल सकती। बार बार नहीं, सिर्फ आखिरी बार। अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। बस 10 मिनट के लिए हम एक पुरसकून जगह पर बैठ जाएं जहाँ हम बात कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके बाद आपने मुझे कबूल कर लिया तो हमारे बड़े इस बात को आगे बढ़ा देंगे। आप मुझे उलझा देते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आज के दौर में भी मोहब्बत इतनी सच्ची और मुखलिस हो सकती है। मैंने अपने रब से हमेशा खलूस ही मांगा था और तुम मेरी उन्हीं दुआओं का सिला। थैंक यू कि तुमने मुझे मेरी माजूरी के साथ एक्सेप्ट कर लिया। ये कैसी बातें कर रही हो? मोहब्बत कोई एहसान थोड़ी होता है। मोहब्बत तो रूह से होती है, वरना इतनी पायदार कहाँ होती। और तुम तो अपने दिल की तरह खुद भी हसीन है। और तुम मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे। तुम जैसी भी हो मेरी हो।
तुम्हारी डेट पर सायरा बनकर मैं जाऊंगी। क्यों? अगर मेरी जगह तुम जाओगी तो मैं क्या करूंगी? तुम भी साथ जाओगी लेकिन साथ से थोड़ा फासले पर रहोगी। मैं चाहती हूँ कि पहले उससे मैं मिल लूं और जान सकूं कि वो तुम्हारे साथ कितना सच्चा और मुखलिस है। अगर मुझे वो अच्छा लगा और सच्चा लगा तो उसके बाद तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। मैं उसका इम्तिहान लेना चाहती हूँ। ठीक है, तुमने उसे अपने बारे में तो बताया है ना? हाँ बताया तो है, टेक्स्ट किया था मैंने उसको कल रात को। देखो टेक्स्ट करने में और बाजार देखने में बहुत फर्क है। सारा तुम बिलावजह परेशान हो रही हो, साथ इज वेरी डिफरेंट, ट्रस्ट मी। अच्छा, अगर तुम्हें उस पर इतना ही यकीन है तो फिर टेंशन किस बात की है? अच्छा बाबा ठीक है, तुम चली जाना डेट पे। लेकिन अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? वो मुझे नहीं पहचान सकता, इसलिए कि मैं भी बहुत पक्की आर्टिस्ट हूँ और वैसे भी उसने हम दोनों को सरसरी सी नजर से देखा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो पहचान सकेगा कि मैं तुम हूँ या नहीं। अगर उसने तुम्हारा नाम पूछ लिया फिर? तुम्हें याद है ना कि तुमने उसे अपना नाम सायरा बताया? बहुत चलाक हो तुम, शुरू से लेकर के अभी तक की सारी प्लॉटिंग ठीक से किया तुमने। तुम बेफिक्र हो, मैं तुमसे तुम्हारा प्यार नहीं छीनने वाली। आफ्टर ऑल मेरा मंगेतर काफी हैंडसम बंदा है, साथ से मेरा मिलना बहुत जरूरी है। खुदा ना खास्ता वो ईशा को इसकी माधुरी की वजह से रद्द ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो ईशा का दिल टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ईशा की पहली मोहब्बत उसके दिल का रोग बन जाए। I'm ready. मैं आती हूँ 2 मिनट में। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हो? अब्बा जी ने कहा था अच्छी तरह से छानबीन कर शादी करना। छानबीन कर शादी करने के लिए कहा था, अदाकारियां करने के लिए नहीं कहा था? आप ही वो मेरे साथ गेम खेल रही है। अब देखे ना इतनी अच्छी लड़की है, मतलब कोई कमी नहीं है उसमें, कहती है मैं माजूर हूँ। क्या पता वो हो? ओहो आप ही, ये तो आजकल का फैशन है ताकि अगला बंदा उम्मीद ना लगाकर बैठे। लेकिन ये मेरी पहली और आखिरी गेम है, इसके बाद तो आप लोगों ने आगे बात बढ़ानी है। देखते हैं। अच्छा आप ही मुझे बताएं, मेरा होलिया तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। ये बताओ जाना कब है? बस आप ही उसकी कॉल आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। लो उसका SMS आ गया। आप ही प्लीज दुआ कीजिएगा कि बस हो जाए। खुदा हाफिज। विश यू गुड लक। हेलो, आई एम सो सॉरी कि आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा, मैं बस अगले 1 मिनट में पहुंच रहा हूँ। अच्छा तो फिर आपका काउंटडाउन शुरू होता है अभी। अच्छा आप एटलीस्ट मुझे ये तो बता दें कि आपने कौन सा कलर पहना हुआ है। ऑरेंज। ओके मैं आ रहा हूँ। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। आप सायरा हैं ना? जी जी, अगर आप कहें तो मैं आपको अपना एनआईसी दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप दिखाएंगे भी तो मैं देख नहीं सकूंगा। एक्चुअली मैं पैदाइशी नाबीना हूं। क्या मतलब? देखें, मैंने अपने बारे में आपको जो कुछ भी बताया सब सच था, सिवाय एक बात के, मैं ये रंगीन दुनिया नहीं देख सकता। बस यही आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्या मतलब? आप क्या मुकम्मल तौर पर? जी, मुकम्मल तौर पर। लेकिन कल तो आप मुझसे मिलने रोड पर आए थे। जी, वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने मेरी बड़ी हेल्प की थी। वो दूरी खड़ा इंतजार कर रहा था मेरा। उसी ने मुझे बताया था कि आप कितनी हसीन हैं। लेकिन आप मुझसे कुछ मत छुपाइएगा। काबिले कबूल तो ईशा भी नहीं है। अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह अपनी मौजूदगी को रियलाइज कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। जी बिल्कुल, मोहब्बत के पैमाने कुछ और होते। आप मुझे काबिले कबूल हो, इसलिए कि मैं भी। That's great. आप अपने इम्तिहान में पास हो गए हैं। आजकल लोग जाहिरी मोहब्बत को देखते हैं ना, दिल की तो कोई कदर ही नहीं करता। देखें, मैं 100% परफेक्ट हूं। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हैं या नहीं। आई एम श्योर कि इस वक्त आप शॉक में होंगी, बट अगर आप मुझे कबूल करती हैं तो प्लीज मुझे बताएं आपका दिल क्या कह रहा है। अब मेरा दिल कह रहा है कि मैं भी आपका इम्तिहान ले लूं। आपने तो अपना इम्तिहान ले लिया, लेकिन आप इस सच्चाई का सामना कैसे करेंगे? क्या है? मैंने आपको SMS करके सब कुछ बताया था कि एक हादसे में मेरी दोनों टांगे चली गई थी और अब मैं सारी जिंदगी इस व्हील चेयर पर हूँ। क्या आप कबूल करेंगे मुझे? सायरा, मैं समझा कि आप मुझसे मजाक कर रही थी। सायरा, मुझ में इतना हौसला नहीं है। मैं जिस बात में आकर आपसे शादी कर लूंगा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सर, मुझे आपसे इसी जवाब की उम्मीद थी। सायरा, आपने तो मजाक किया था मुझसे। आपने तो अपना इम्तिहान ले लिया, लेकिन आप मेरी आजमाइश पर पूरे नहीं उतरे। आप इसे जिंदगी का पछतावा समझ कर दोबारा किसी और दिल से खेलने की हर भी कोशिश कर दीजिए। नहीं तो याद रखें, कुदरत का अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे एक बात और, आप आज तक जिस लड़की से फोन पर बात करते रहे हैं वो मैं नहीं बल्कि ये है।